अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, वी आर स्टडिंग द कोर्स ऑफ MTH 302, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड टुडे आवर लेक्चर ऑफ डिस्कशन इज़ लेक्चर नंबर 31, लाइन फिटिंग पार्ट नंबर 2। बट टुडेज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आज का जो लेक्चर है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी थे तो मिक्सअप ना हो जाएँ। तो ये आज का जो पार्ट है 2A है, फिर 2B एंड 2C आप लोग देख लीजिएगा। ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स, यानी लाइन फिटिंग का टॉपिक पढ़ें। और लाइन फिटिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में जब बता रही थी, यानी स्ट्रेट लाइन फिट करना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स। सिंपलेस्ट इज़ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी मैंने आपको स्केटर डायग्राम्स भी दिखाई थी और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। यानी स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर इसलिए कहा जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। टू डिटरमिन वेदर अ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, स्केटर डायग्राम इज़ डिवेलप फर्स्ट। कोरिलेशन का जब टॉपिक पढ़े थे, रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बताया था, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जब भी आपने रिग्रेशन एनालिसिस करनी है तो उससे पहले स्केटर डायग्राम बनाई जाती है, फिर देखा जाता है कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है या एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रही है वेरिएबल्स के दरमियान, यानी देन आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हो। अगर लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस या लीनियर रिग्रेशन या लाइन या मॉडल नहीं रिप्रेजेंट कर रही डायग्राम, तो आप उस पर रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पर मैं 2 डायग्राम्स आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये 2 डायग्राम्स गिवन है। फर्स्ट में बताया गया है रिलेशनशिप नॉट लीनियर। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अगर देखा जाए तो यहाँ कर्व है, यानी पॉलिनोमियल कर्व है। तो कर्व आप लोगों को बता रहा है, बेशक इसमें एसोसिएशन पाई जा रही है लेकिन नॉट लीनियर है, ठीक है। इसमें देखें, अगर आपकी स्केटर डायग्राम है उसमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो आप रिग्रेशन एनालिसिस उस पर नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास नो रिलेशनशिप। अब देखो, रिलेशनशिप ही नहीं पाया जा रहा, और हमने कहा था रिग्रेशन एनालिसिस के लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी जो लाइन है एक तो स्ट्रेट हो, यानी उसमें क्या हो, लीनियर हो। नेक्स्ट हमने कहा था कि उस लाइन के ओवर एंड बिलो जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल हो। अब यहाँ देखो, स्कैटर्ड हैं, अगर मैं इसको मेजर करूँ तो इनका इक्वल डिस्टेंस नहीं बनता। और एक और बात हमने की थी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया था। यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करूँ तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ लीनियर फंक्शन। यानी जो सिंपल रिग्रेशन मॉडल की बात कर रही थी, तो लीनियर फंक्शन से यानी स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट किया जाता है इनके बीच में रिलेशनशिप। द चेंज ऑफ वन वेरिएबल कॉजेज अदर वेरिएबल टू चेंज। यानी एक वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली, जैसे मैंने कहा था कि वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब मैंने रिग्रेशन इक्वेशन दिखाई थी आपको, ये वाली ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई थी। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज एग्जैक्टली लीनियर, देन द मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द लीनियर रिलेशनशिप इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम इस इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं स्लोप के बारे में, यानी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज होती है तो इसकी वैल्यू पूरी चेंज होने की वजह से वाई की वैल्यू चेंज होती है। यानी वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर, ठीक है, इस साइड पर। तो ये जो हमारे पास है एक्स रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप एक्स की यानी वाई की वैल्यू, तो इनकी वजह से, एक्स की वैल्यू की वजह से चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए रिप्रेजेंट्स द वाई इंटरसेप्ट, यानी हमें पता है जब वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली हमारे पास इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट सपोज करो, मैंने इंटरसेप्ट के बारे में भी बताया था और एक्सेल फंक्शन भी हमने यूज़ किया था। अगर हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो सपोज करो हम x और y की बात करें, तो y इंटरसेप्ट करें तो x हमारे पास 0 होगा,
ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट की बात करें y ज़ीरो होगा, अगर y इंटरसेप्ट की बात करें हैं तो हमारे पास x ज़ीरो होगा। यहाँ पर देखें a रिप्रेजेंट द y इंटरसेप्ट, हमारे पास क्या है द वैल्यू ऑफ y व्हेन s x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं x को ज़ीरो लेती हूँ तो b को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा, यानी a प्लस बी ज़ीरो हो जाएगा, यानी y की वैल्यू मेरे पास a, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट। और b रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दी थी। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है और दिस रिलेशन डिस्क्राइब द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर। अब स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन की बात की फंक्शन, यानी स्ट्रेट लाइन होती है। देखो स्ट्रेट लाइन अगर है, मैं एक भी पॉइंट को यहाँ से छेड़खानी करती हूँ तो वो लाइन क्या हो जाएगी, मेसी हो जाएगी, टेढ़ी शेढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने एक्स एक्सिस पर बात की थी। देखो अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ ना, एक वेरिएबल यानी ये वेरिएबल आगे आगे बढ़ता जा रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज़ तो हो रहा है बट लीनियर नहीं है। यानी एक कंडीशन तो सेट, एक तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, दूसरा यानी लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, और एसोसिएशन इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो, डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ करने से या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ करने से दूसरा इंक्रीज़ हो। तो हमारे पास ठीक है रिलेशनशिप है, इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो रहा है बट लीनियर नहीं है। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे कि हम इस पर रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे एरर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से स्ट्रेट लाइन तो है बट एसोसिएशन नहीं पाई जा रही। तो इस तरह से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, टू टाइप्स रिग्रेशन मॉडल्स यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं, एक होता है पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन और दूसरा होता है सैम्पल लीनियर रिग्रेशन। यानी आप चाहें तो पूरी पॉपुलेशन पर रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो सैम्पलिंग जैसे कुछ सैम्पल लिया और उस पर लीनियर रिग्रेशन आपने अप्लाई कर दिया। इन लीनियर रिग्रेशन टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स कंसीडर, फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। यानी पूरा का पूरा डेटा है उसमें क्या है रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, यानी हमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन का बता देगा कि इसमें कितनी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है, लो है, हाई है, ये सारी चीज़ बता देगा। इसी तरह से जो सैम्पल लीनियर रिग्रेशन डिटरमिन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑन द बेस ऑफ सैम्पल डेटा। यानी जो सैम्पल आप सेलेक्ट करोगे उसमें टू वेरिएबल्स जो होंगे उनके दरमियान में, जस्ट सैम्पलिंग क्या होती है यानी पूरी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा पार्ट ले लेते हो जो हमें बताता है कि इनमें एसोसिएशन पाई जा रही है नहीं पाई जा रही। लेकिन ये भी हो सकता है कि सपोज करो जो सैम्पल लीनियर रिग्रेशन हम कर रहे हैं तो उसमें ये हो कि अब हमें हाई एसोसिएशन नज़र आ रही हो, यानी सैम्पल जब लीनियर रिग्रेशन करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन करें तो उसमें क्या है कोरिलेशन हमें ज़्यादा हाई ना दिखाई दे रही हो। तो इसके लिए हमारे पास हमने एरर फ्रीडम रैंडम एरर या वेरिएबल यूज़ करते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन को अगर डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो टॉपिक्स स्किप करती जा रही हूँ वो आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें नहीं बताए गए। ठीक, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ द एवरेज वैल्यू वन वेरिएबल ऑन द अदर। यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये जो मैं वेरिएबल की एक बात करी थी रैंडम एरर कहते हैं, यानी एरर भी तो आ सकता है, तो इसलिए ये वेरिएबल भी ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर देखें yi जो कि हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने से, क्योंकि x इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, x की वैल्यू पुट करते हो या चेंज करते हो तो y की वैल्यू क्या होगी अफेक्ट होगी। इसी तरह से यहाँ पर बीटा ज़ीरो यूज़ हो रहा है, बीटा ज़ीरो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट, जैसा कि हमारे पास a था। ठीक है, सेम वही स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन ये हमारे पास गिवन थी, a की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया बीटा ज़ीरो जो कि पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया प्लस बीटा वन एक्स आई। अब बीटा वन हमारे पास क्या है पॉपुलेशन स्लोप कोफिशेंट है, जैसे हमारे पास बी यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही थी। और पॉपुलेशन की बात है, ये ओवरऑल लीनियर रिलेशनशिप को रिग्रेशन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें हमने ये नहीं देखा कि पॉपुलेशन की बात हो रही है सैम्पलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर सेपरेट करके इक्वेशन दिखाई जा रही है। आगे मैं आपको सैम्पल लीनियर रिग्रेशन की भी इक्वेशन दिखा दूंगी। ठीक, अच्छा बीटा वन यहाँ पर क्या है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप कोफिशेंट है, और एक्स आई हमें पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर एप्सिलॉन मैंने
यहाँ पर इसको स्टिकी नोट लगाया है, एंड साइन इज रीड एज एप्सिलॉन। ठीक है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं रेंडम एरर, क्योंकि मैंने बात की कि एरर्स का भी होता है, तो n माइनस वन ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आगे हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो इसको मैं आपको बताऊंगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन की। ठीक है, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन, यानी रिग्रेशन लाइन से जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है उसे हम रेंडम एरर कहते हैं। यानी कितना डिस्टेंस है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके बेशक एसोसिएशन है या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, तो इसे रेंडम एरर कहते हैं। इस रेंडम एरर को ओवरकम करने के लिए तो हम ये रेंडम एरर को वेरिएबल इसमें ऐड करते हैं। और यहाँ पर हो गया, और ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, एक्स की वैल्यू एंटर करोगे, देन आएगा द इंटरसेप्ट इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताया गया है, अगर एक्स एक्सिस पर होता तो हम किसको लेते, वाई को लेते। अब इसी तरह से यहाँ पर ग्राफ भी दिखाया गया है पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन का। अब आप लोगों को पता है ये वाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस हैं, और आपको ये भी पता है कोरिलेशन देखनी होती है, यानी पॉइंट्स ड्रॉन है, यानी स्कैटर डायग्राम है, और ये डॉटेड लाइन है जो इन रियलिटी नहीं होती, हम रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए इसको करते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, देखो इन दिस केस हैज़ अ नोटेशन बीटा ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर बीटा ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास, बीटा ज़ीरो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, यहाँ पर बीटा ज़ीरो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीटा वन क्या है, पॉपुलेशन स्कोप स्लोप को कर रहा है, एक्स आई यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कर रहा है, वाई डिपेंडेंट को कर रहा है, एप्सिलॉन रेंडम एरर को कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, यानी ये जो लाइन है हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमारे पास, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये देखो इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये रैंडम एरर के साथ, विदाउट रैंडम एरर ये जो लाइन है ये क्या है, स्लोप इसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिग्रेशन लाइन को। ठीक है, तो यहाँ विद एरर ये जो ये कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर देखो इस लाइन की ये जो लास्ट में आ रहे ये बीटा वन है। ठीक है, और यहाँ स्टार्टिंग है हमारे पास बीटा ज़ीरो, यानी जिसे इंटरसेप्ट भी हमने कहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बीटा वन हमारी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप क्या होता है थोड़ा सा, यानी कहाँ से कहाँ तक आ रही है, और यहाँ पर रैंडम एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलॉन कर रहा है। डिफरेंट नोटेशंस ये किस लिए यूज़ की गई हैं, ताकि हम यूज़ कर सकें पॉपुलेशन रिग्रेशन सैम्पल रिग्रेशन को। अब यहाँ पर देखो ये जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, बीटा ज़ीरो, बीटा वन, एक्स आई, एप्सिलॉन, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं सैम्पल की बात करूँ, सैम्पल लीनियर रिग्रेशन की बात करूँ, सेम वही इक्वेशन है, जस्ट यहाँ पर वाई आई तो वाई आई है, बीटा ज़ीरो की जगह बी ज़ीरो है, यहाँ पर बीटा वन की जगह बी वन है, एक्स आई एज इट इज़ है, एप्सिलॉन आई की जगह यहाँ ई आई यूज़ हो रहा है, जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हम यहाँ पर पॉपुलेशन रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सैम्पल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, यानी बी ज़ीरो प्रोवाइड्स एस्टीमेट ऑफ बीटा ज़ीरो, और बी वन रिप्रेजेंट द एस्टीमेट ऑफ बीटा वन, और सैम्पल रिग्रेशन लाइन प्रोवाइड्स एंड एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के बारे में भी बताते हैं, और प्रिडिक्टेड वैल्यू यानी वाई की वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, ये रेजिडुअल के बारे में बताया गया, एंड बाकी जो बचे हुआ होता है, ठीक है, जो वैल्यूज़ बच जाती हैं, तो यहाँ पर हो गया। और इसके लिए ग्राफ भी था मेरे पास, यहाँ पर आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें दिखाया गया था, सेम उसी तरह से यहाँ देखें, जो स्ट्रॉन्ग लाइन है हमारे पास बी ज़ीरो, यानी ये हमारे पास ये है सैम्पल लीनियर रिग्रेशन के लिए जो यूज़ हो रही हैं वो स्ट्रॉन्ग लाइन्स यूज़ हो रही हैं, आई थिंक रेड कलर में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, रेड कलर में यूज़ हो रही हैं और ये वैल्यूज़ भी बताई गई हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो ऑब्वियसली हमने जो पहले ग्राफ देखा है वो पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन का देखा है, उसकी वैल्यूज़ है सारी की सारी वही हैं, जस्ट डिस्टेंस दिखाया हुआ है। ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये सारी, ये देखो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और ये वैल्यू हमें दिखा रही है, ये वाई की वैल्यू, ठीक है, ये वाई की वैल्यू, और यहाँ पर एप्सिलॉन दिया हुआ है, और यहाँ ई आई दिया हुआ है, यानी सैम्पल पॉपुलेशन के लिए ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ये सैम्पल लीनियर रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, यानी रैंडम एरर जिसे कहते हैं, क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, एसोसिएशन नहीं आ रही, तो ये ई आई है, और यहाँ से अगर देखा जाए कि इस डॉटेड लाइन से जो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन आई है, यानी पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पर बी ज़ीरो भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, और यहाँ पर बीटा ज़ीरो को भी बताया था, और बीटा वन का भी बताया था, ये सारी ऑब्जर्व वैल्यूज़, और ये देखें ये इक्वेशन दी हुई है।
बीटा वाली किसकी थी? पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी, और बी वन और बी टू ज़ीरो और ई आई वाली हमारी किसकी थी? सैम्पल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी हमारे पास है, वो भी मैं इसी पार्ट में ही आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर इक्वेशन देख लें, और रिग्रेशन इक्वेशन एग्जांपल जो कि आपके वीडियो लेक्चर्स में तो गिवन थी, लेकिन यहाँ पर ये वाली एग्जांपल गिवन नहीं है। और याद रखिएगा, मैं जो पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर वही इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन लाइन, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको किया है, एमएस एक्सेल पर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, मैन्युअली यानी बाय हैंड अगर कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप इसकी वैल्यूज़ निकालो तो कैसे निकलती हैं, और यही वैल्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब हम एमएस एक्सेल पर करेंगे डेटा एनालिसिस टूल को यूज़ करते हुए वो भी दिखाऊंगी, यानी ऑटोमेटिकली निकल आएंगी। अब यहाँ पर y माइनस ym, ym रिप्रेजेंट कर रहा है y की वैल्यूज़ का यानी मीन कर रहा है, r यानी कोरिलेशन कोफिशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट यानी मल्टीप्लाई, s ऑफ y यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मल्टीप्लाई x माइनस xm यानी ये मीन रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यूज़ का। इसी तरह अब ये इक्वेशन आप लोगों को दे दी है, यहाँ पर xm क्या है गिवन है, यानी मीन क्या गिवन है, x की वैल्यूज़ का 4 है, ym यानी y की वैल्यूज़ का जो मीन है वो 80 है, एस ऑफ एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास है 2 रेज टू पावर हैट का, आप लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना हो तो ये हैट यूज़ करते हैं, रेज टू पावर 1/2 स्केयर रूट को रिप्रेजेंट करता है, यानी एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, एस ओ वाई इज इक्वल टू 200 रेज टू पावर 1/2, ऑब्वियसली 1/2 स्केयर रूट होता है, यानी ये लिखा हुआ है स्केयर रूट 200, आर यानी कोरिलेशन कोफिशेंट हमारे पास है 0.8। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में आपने पुटिंग करनी है, क्या करें, वाई माइनस वाई एम किसके इक्वल है, 80 इज इक्वल टू आर मेरे पास क्या गिवन है, आर गिवन है 0.8 मल्टीप्लाई हमारे पास है एस ओ वाई डिवाइडेड बाई एस ऑफ एक्स। तो मैं इसको क्या करती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो मैं इसको ना यहीं पर कर लेती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y क्या है मेरे पास, y देखो y y y ये y दिया 200 स्केयर रूट, ठीक है, तो 200 यहाँ इस कैलकुलेटर से 200 स्केयर रूट, उसके बाद था डिवाइडेड बाय s ऑफ x, यानी s ऑफ x क्या गिवन है 2 रेज टू पावर 1/2 यानी स्केयर रूट 2, तो हमारे पास 2 और ये स्केयर रूट, तो मेरे पास देखो हमारे पास, मैं डिवाइड करना भूल गई, ओके यहाँ पर 200 स्केयर रूट डिवाइड और किसका था 2 स्केयर रूट, आंसर मेरे पास देखो इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया है। इस आंसर को आपने क्या करना था, आर से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करना है, आर यहाँ पर क्या गिवन है, क्या 0.8 क्या आंसर आ रहा है, 8 आ गया आंसर, ये देखो यहाँ पर y माइनस 80 एज इट इज 8 आ गया, यानी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आप जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पर, बेशक आपको ये देखो ये लिखा हुआ है 0.8 मल्टीप्लाई SOY मेरे पास क्या है 200 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय s ऑफ x क्या है 2 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई sx माइनस xm क्या था 4 था, मैंने डायरेक्टली इनको डिवाइड करके ना मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाले 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई में आ रहा है x माइनस 4, जब मल्टीप्लाई करते हो 8x माइनस 8 4 जर 32 माइनस का 80 यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, प्लस माइनस करो यानी प्लस माइनस माइनस 80 में से 32 करो 48 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आपके पास ये आ गया, यानी आपके पास ए एक्स प्लस, जैसे बी एक्स प्लस हमारे पास क्या इक्वेशन थी, ठीक है यहाँ पर ये दिखा देती हूँ इक्वेशन, ये बी बीटा वाली जो भी इक्वेशन आप लोगों के पास गिवन है इसी इक्वेशन के, वाई इज इक्वल टू ये रही ए प्लस बी एक्स, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ए प्लस यानी ए मेरे पास आ गया ए प्लस बी एक्स, ये ए आ गया और ये बी एक्स आ गया, यानी बी एक्स प्लस ए कर लो या ए प्लस बी एक्स कर लो, बी हमारी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स की वैल्यू थी, ए इंटरसेप्ट को यूज़ कर रहा था, वाई इंटरसेप्ट को। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यहीं तक का आज का जो लेक्चर था, ये मैन्युअली मैंने आपको बाय कैलकुलेटर करके दिखाया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे एमएस एक्सेल में जो
डेटा एनालिसिस का जो टूल है स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस में जो यूज़ होता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में एड्स इन में जाके चेक किया था, वो मैं आप लोगों को यूज़ करना बताऊंगी। यानी हम यही एग्जांपल, ये आंसर याद रखिएगा, हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो लेक्चर था पॉपुलेशन वाला, वो यहाँ तक कम्प्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर स्टिकी नोट भी लगा दिया। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।